पेशे खिदमत है शहरनामा आवाज़ के लिए चंद खबरें। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में साधु संतों से कहा कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमतें काम करेंगी। उन्होंने कहा कि मेरे अयोध्या आने से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बुध को अयोध्या पहुँचे। यहाँ उन्होंने परमहंस रामचंद्र दास को खिराज तहसीन पेश करने वाले जलसे में हिस्सा लिया। इसके बाद वो दिगंबर अखाड़े भी पहुँचे। योगी ने साधु संतों को खिताब करते हुए कहा कि रामचंद्र परमहंस मेरे गुरु जैसे थे। पूरी दुनिया में भारत की शिनाख्त राम और बुद्ध की बुनियाद पर है। हर साल हम अपने गांव में रामलीला मुनक्किद कराते हैं। जहां भी रामलीला होती है उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। गोरखपुर मठ का ताल्लुक राम मंदिर तहरीक से है। मैं पहले राम भक्त हूँ। मैं बार बार अयोध्या आया हूँ, आता रहूँगा। मेरे यहाँ आने में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। याद रहे, यूपी के सीएम बनने के बाद 4 माह में योगी का ये दूसरा अयोध्या दौरा है। संतों की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमतें काम करेंगी, उन्होंने बार बार ये दोहराया है। उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी की एक और वजह तलाश कर ली है। ट्रंप ने अफगानिस्तान की कीमती मादनियात पर नज़रें लगा दी हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मशवरों और अफगान हुकाम ने अमरीकी सदर को अफगानिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात की माशी अफादियत के बारे में बताया, जिसके बाद अमरीकी सदर ने अफगान हम मनसब से इस हवाले से बातचीत भी की। रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ गनी अपने मुल्क के मादनी वसाइल से माशी इस्तेफादा चाहते हैं और वाइट हाउस कानकुनी के हवाले से इस बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे भी अफगानिस्तान भेजने पर गौर कर रहा है। सन 2010 के एक तखमीने के मुताबिक अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर की मालियत $1 खरब के करीब है, लेकिन इसमें एक तशवीश का पहलू ये बताया जाता है कि इंतहाई कीमती मादनियात का बड़ा हिस्सा इन इलाकों में पाया जाता है जो तालिबान के कंट्रोल में हैं। आज के लिए नहीं, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।